शिवसेना पंजाब जिंदाबाद, शिवसेना पंजाब जिंदाबाद। भिंडरां वाला अतवादी खूनखार अतवादी दोटो के झंडे असी अपनी स्टेट के नहीं आने देंगे, पर जोड़े लोग साढ़े देश का माहौल खराब करके, पर कुछ लोग जोड़े गलत अंसर अपने आप का गलत प्रोपोमंडा अज तक लुट्टे करी है, पता ही नहीं लग्या कौन शहीद है कौन संत है। राजपुरा के शिवसेना दफ्तर विच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिस दे विच पंजाब विच बनी नवी आम आदमी पार्टी की सरकार तो उम्मीदां जताईयां गईयां। ते होर की कहा संजीव कनोली ते उन्हां दे टीम मैंबर दे मीत प्रधान संजीव कुमार, लीगल एडवाइजर मुदित भारतवाज, शिवसेना यूथ दे प्रधान करनताज, मीडिया एडवाइजर परविंदर अरोड़ा ने आओ जान दे। राजपुरा तो जतिंदर लक्की की खास रिपोर्ट। जयकारा वीर बजरंगे हर हर महादेव। अज असी डिस्ट्रिक्ट पटियाला दे राजपुरा विखे अपने शिव सैनिक इलैक्शनां तों बाद जिहड़े वेले होए ने उहनां नूं अज असी प्रेरित करिया वी तुसीं आम लोकां कोल जाओ, जनता दी समाज हित लई जिहड़ा शिवसेना दा वचन पत्ता उह कम करिए, इहनां नूं जागरूक करन आए सी। दूसरा असी जिहड़े पंजाब दे हालात या साढ़े नाल दा सूबा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के उस बयान का स्वागत करते हैं, जिदे विच उन्होंने कहा भिंडरां वाला अतवादी खूनखार अतवादी दीआं फोटोआं दे झंडे असी अपनी स्टेट के नहीं आण देवांगे। असी इस गल का खुशी जाहर करते हैं कि चलो किसी स्टेट के सूबे के मुख्यमंत्री ने कदम चुकिया वधिया, क्योंकि भिंडरां वाला जिहड़ा हिंदू सिख भाईचारा के दार पा रहा सी, निर्दोष लोगों का कातिल है, अजिहे लोग आदमी नूं प्रमोट करना उहदे झंडे ला के जिहड़ी साडी नौजवान पीढ़ी है की साबित करना चाहती है, ये तो जिहड़ी उन्होंने काम किया है बड़ा वधिया, असीं उहदी सराहना करते हैं। नौली साहब, जिस तरह तुसीं दस्सिया वी उह भिंडरां दे पोस्टर ला के जा रहे सी, आपणे दे बैनर लगे सी, उहनां नूं रोकिया गया जी, ते बहुत सारे पंजाब दे सिख नौजवान आ चाहे हिंदू नौजवान आ खंडे दा निशान भी ला के जाने आ, ते निशान साहब भी अपने गड्डियां ते ला के जाने आ, ता क्या उहनां नूं वी रोकिया गया, तुसीं पक्ष च हो जी इहदे? नहीं नहीं, देखो जिथे कोई धार्मिक चिन्ह है चाहे निशान साहब है चाहे खंडा है वो बारे उत्थे दे मुख्यमंत्री साहब ने भी यह बयान दिता कि सानू कोई इतराज नहीं, असी उहदी इज्जत करते हैं, सत्कार है, असी उन्हां चीज़ां ते कोई पाबंदी नहीं लाई, पर जिहड़े लोग साढ़े देश का माहौल खराब करके, देखो एक ब्लैक झंडा ला के रोश किस चीज़ का रोश, असी आजादी का आनंद माणदे आ, वह चीज़ा जिहड़ियां साढ़े देश के खिलाफ आ वह चीज़ों के रोक लाई, ना कि किसी धार्मिक चिन्ह या किसी, उन्होंने सत्कार असं भी करते तो वह भी करते रहेंगे, वह तो साढ़े पंजाब हिंदू सिख भाईचारा कट्ठा है, पर कुछ लोग जोड़े गलत अंसर अपने आप का गलत प्रोपोमंडा कुछ फेसबुक व्हाट्सएप से सोशल मीडिया के कह रहे हैं, असी श्री जय श्री राम के झंडे उतारांगे, असी हिंदुस्तान के झंडे उतारांगे, ऐसे लोगों के खिलाफ चाहे पंजाब सरकार होवे चाहे लाग दे सूबे दे चाहे सेंटर सरकार होवे, उन्हां लोकां दे खिलाफ परचे दर्ज होने चाहिए, जिहड़े दो देश दे विच साडा किन्ना वधिया सूबा है किन्नी शांति है, जिहड़े अशांति फैला रहे ने गलत प्रोपोमंडा करदे ने देश दे झंडे या प्रभु राम जी दे झंडिया दे बारे गलत बोलदे ने, उन्हां दे खिलाफ परचे दर्ज होने चाहिए ने, जिहड़े गलत बंदियां नूं प्रमोट कर रहे ने उन्हां नूं चक के जेल भेजांगे, सख्त कानून बनावांगे, तां ही साडे सूबे दे विच शांति रहेगी। ऐसे लोग चाहे वो साडे लोग कुछ गलत अपना प्रोपोमंडा वास्ते करदे ने चाहे गलत पासे तों खरम ख्याली अतवादी सोच वाले, उन्हां ते सरकार सख्त होवे। मैं नवी सरकार नूं यही अपील करदा मैं पंजाब दा सूबा बड़ा शांत है, जिदा कि हुण पंजाब दे विच कई मोटरसाइकलां ते नंबर नहीं लाते, नंबर प्लेटां नहीं है, कोई रेस दिंदे ने पटाके वजांदे ने, देखो बड़ी वधिया गल है, लोकां ने आप पार्टी नूं आम आदमी पार्टी जिहनूं कहिंदे आ बड़ा वधिया समर्थन दिता, इन्नी 92 MLA जिता के लोगों ने पूरा भरोसा दिता है, तो उन्होंने भी चाहिए वे आम आदमी दी समस्यावां जिहड़ियां जिहड़े गैर कानूनी काम हो रहे ने उन्होंने भिंडरां वाले दी तस्वीर तो सानूं की समस्या है? देखो भिंडरां वाला जिन्हें पंजाब नूं 20 साल पिछे पचाता 35,000 के करीब हिंदुओं के कतल किए, उस बंदे नूं असीं किवें कह सकते हो पंथ का कोई है, वो साढ़े पंजाब सूबे का साढ़े पंजाब के लोगों का सिखां का घाण करन वाला हिंदुओं का घाण करन वाला एक इंसान सी, वो अतवादी था अतवादी है, असी उन्हूं किदां संत मन लीए, या दसो वे कौन उन्हूं संत कहिंदा है, सरकार सानूं स्पष्टीकरण देवे जे उन्हूं संत आ उहदी परिभाषा दसे वे हाँ उन्हें आह संत वाला काम किया असी भी उन्हूं मन्नांगे। पर कनौदी जी उहदे ते कोई FIR भी नहीं हैगी पूरे पंजाब च किसे थाने च, ते आपां फिर उन्हूं कातल कीवें कहि सकदे? बिल्कुल गलत है, तुसीं वी मैं सब तों बड़ा तुहाडे सामणे गवाह है,
मेरे ते हमला किया गया, मेरे फादर साहब को शहीद किया गया, वो जिम्मेवारी भिंडर वाले ने लती है। तुम मैं दसो जोड़ा बंदा जिम्मेवारी ले रहा वो मेरे वास्ते, चाहे वह लोगों वास्ते जो मर्जी है, मेरे वास्ते अत्तवादी था अत्तवादी। देखो उ असी भी सरकार को यह अपील की, उदों का की माहौल से, जिदा हम मैं प्रधान है, मैं अपने बंदे आदेश दिता, मैं अच्छे दफ्तर च बैठा, मैं इतने कह दिता संजीव राजपुरा जी बैठे ने, ताज जी बैठे ने, वकील साहब बैठे ने, असी इन्हों वकील साहब को कह देंगे तो जा उ जाके अग ला दो, इन्हें अग ला ही है उत्थे, पुलिस फड़ के इन्होंने परचा देगी, मेरे तो नहीं देगी। बल्कि वह बंदा डिक्टेटरशिप करके इतने के निर्दोष लोगों नज जे नवी नौजवान पीढ़ी आ उन्होंने गुमराह के करके कातल किए ने। तो वह जी तुम गल कह रहे हैं महाराष्ट्र के नौवीं क्लास के सबजै साइंस के हिस्टरी की किताब के बकायदा लिखा वा भिंडर वाला एक अत्तवादी से टैरोरिस्ट से उन्हें इन्ने लोग मराए, और तो बड़ा प्रूफ भी चाहिए। सर एक अजकल नौजवानों च बड़ा ट्रेंड है दीप सिद्धू की फोटो भी लगा रहे हैं वो कि दीप सिद्धू शहीद है, कि तुम शहीद मानते हो जी? असल च गल की है पंजाब दे विच देखो 70 साल के ना लोग सियासत दे विच एक जिदा बंदा ना बावला जहा हो जाता है, वह अज तक लुट्टे करी है पता ही नहीं लग्या वे कौन शहीद है, कौन संत है, किने देश हित काम लई कीता। अज सरदार भगत सिंह जी की गल करते हैं मान साहब, बड़ी वधिया गल है, पर दीप सिद्धू ने दसो ने क्या किया? अज हरिमंदर साहब के उन्होंने फोटो लाई जा रही है, नौजवान नारे ला रहे हैं, उन्होंने की सुबे नहीं किया? एक गायक कार में गड्डी के शराब दी बोतलां मिलियां, एक एक्सीडेंट नाल उसकी मौत हुई है, उन्हें क्या देश लई, क्या शहीदां लई, क्या नवी पीढ़ी लई किया? मैनू दसो ना, पहला उहदे ते एलीगेशन ला रहे सी साडे ही पंजाब दे सूबे दे लोग वे जिहड़ा उहने झंडा लहराया उत्थे जाके लाल किले ते, उह झंडा गलत है, वह अत्तवादी वाली सोच सी, साडे लोगों ने विरोध किया, साडे किसान भरा जिहड़े उत्थे धरने सी उन्होंने कहा वे बिल्कुल इहदे परचा दर्ज किया जाए, इहदे मुखालफत कर रहे सी, अज उहनू शहीद बनाया जा रहा है। यह सिर्फ साडे सूबे की जिहड़ी अमन शांति नूं भंग करन वास्ते, क्योंकि नौजवान पीढ़ी का कम करता है नहीं, वेले है लला लला करके एक पास तुर पेंदे ने। यह चीज़ है जी, मैं आप जी सरकार बनी आ सरकार तो बहुत लोगों को उम्मीद आ, बड़ी वधिया साफ सुथरी एक वधिया सरकार बनी आ, असी बिल्कुल इन्हों का नाल समर्थन करते हैं, क्योंकि सूबे की भलाई ता ही है जो सरकार सही काम करेगी, पर इन्हों भी असी बेनती करा कि तुम सूबे के हित लिए वधिया काम करो। प्रधान जी तुम आप दस रहे मदद नहीं की, जो कि सिखा जो कोई दिल्ली तो आया ट्रांसफर होके सारिया सहूलत दिखाई गई कि शिवसेना पंजाब जी है जो हिंदुआ दे जेडे नुकसान हुए ने 35,000 परिवारों का उन्होंने मुआवजा देने वास्ते जो एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह भी दिता सी पर दिता नहीं गया, कोई किस तरह का कोई देखो बड़ी दुख की गल है। 1984 दंगे हुए दिल्ली, असी भी उस दुख की घड़ी अपने भरावान के नाल खड़े हैं, पर एक माड़ी गल यह है साडे देश में दो कानून, दिल्ली दंगे वालों को दिल्ली सरकार ने अलग पैसे दिते, पंजाब सरकार ने अलग पैसे दिते, सेंटर सरकार ने अलग पैसे दिते, प्लाट तक दिते, लेकिन पंजाब दे विच 35,000 अत्तवाद पीड़ित परिवार, मैं भी तुहाडे विच बैठा, मैं भी अत्तवाद पीड़ित परिवार, असी इन्नी एजीटेशन लड़ी, एक टाइम 781 करोड़ रुपया सेंटर सरकार ने पास भी कर दिता, लेकिन पंजाब सरकार ने वो पैसा नहीं लिया। असी हुण देखो नवीं सरकार बनी आ, असी सरकार तो बड़ी उम्मीदा है, असी चाहते हैं पहला सरकार ने जोड़े वादे किए हैं, देखो साड़ी मांग बिल्कुल रेगुलर उत्थे ही स्टैंड करती है, असी अज धरने नहीं लाना चाहते, असी नहीं इन्होंने खिलाफ से चाहते हैं, मैं घट्टो घट इस सरकार का साथ दे के जो ये नवी सरकार समझ में टाइम लगेगा, 5-6 महीने असी कोई ऐसा धरने बारे विचार नहीं किया, 6 महीने तो बाद असी यह मंग बिल्कुल मंग नहीं, असी वो पैसे इन्हों के थ्रू मंगावे तो अत्तवाद पीड़ित भरावान दवावे। सर की मतलब की कहना है कि 6 महीने तक इन्हों आप समय दिते, अगर बीच माहौल खराब होगा फिर की करोगे? नहीं देखो माहौल किने खराब कर लिया, असी लोगों ने, असी कोई भी नवी चीज़ आप कोई दुकान खोलते आप कोई बिजनेस करते हैं आप नवी सरकार बनी है, ऐ तो इन्होंने भी स्टार्टिंग थोड़ी गलतियां करी, असी उन्होंने भी इग्नोर किया,
हूँ इन्होंने राज्यसभा के मेंबर बनाए ने चार उन्होंने चार चो पंजा चो एक बंदा पंजाब का लत्ता बाकी दिल्ली वाले लत्ते आ असं पूछना चाहते हैं कि जे कल पंजाब के पानी की गल है पंजाब के पोल्यूशन की गल है जोड़ा राज्यसभा मेंबर ने क्या वो पंजाब के हक च खड़न है बिल्कुल नहीं वो केजरीवाल दिल्ली वास्ते खड़नगे वो पानी की गल दिल्ली की करेंगे पंजाब की नहीं इस जरा इन्होंने गलत पर असी नहीं चाहते भी एक छोटी गलती एडा हाईलाइट किया जाए वो इन्हों का अधिकार है पार्टी का एम एल एज की मर्जी है लेकिन असी अज जरा विरोध करके असी नहीं चाहते भी साढ़े सूबे का माहौल खराब होवे असी छे महीने का टाइम मिस करके दिता भी छे महीने के बच्चे इन्हों की एक्टिविटीज़ में देख के क्या है साढ़े सूबे काम सही कर रहे हैं जे इदा के काम करा तो बिल्कुल असं विरोध नहीं किया सर दो दिन सरकार बनने तो बाद खुलेआम खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे सर असी तो पहले ही कहता कि जेडे गलत अंसर ने देखो साड़ी भी इलेक्शन तो पहला यही सी पंजाब दे विच जेडे खालिस्तान नुमाइंदे ने उन्होंने एक समर्थन मिल रहा है आपकी सरकार से पहला भी एलीगेशन लगे से इन्हों बाहरों फंडिंग होंगी है खालिस्तान वालों वो पुन्नू वर्गा कुत्ता जोड़ा भोगता है असं तो विश्वास नहीं करते वो कभी कहता असी पैसे दते ने ये खालिस्तान की लहर से चलेगा पर असी सरकार से सानू विश्वास है सरकार साड़ी है साढ़े लोगों ने जितनी है एडा बड़ा बहुमत इन्हों दिता ये सही काम करे उन्होंने नत्थ पाएंगे गलत अंसर जेल भेजा जयकारा वीर बजरंगी हर महादेव अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एन एंड्रॉइड बेस्ड डीटीएच स्मार्ट सेटअप बॉक्स सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म 24 घंटे लाइव देखे हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर।